आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। उन्नाव में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ एक पिता ने अपनी बेटी के साथ हुए गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। पिता का आरोप है कि उनके गांव के रहने वाले 3 युवकों ने पहले नाबालिग छात्रा का अपहरण किया और उसके साथ 2 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्नाव के 12 सगवर थाना इलाके में गुरुवक्ष खेड़ा गांव में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ हुए गैंगरेप की तहरीर दी, जिसमें कक्षा 5 से पढ़ने वाली छात्रा को पड़ोस के युवकों ने पहले अपहरण किया और फिर जिला फतेहपुर में 2 दिन तक बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्नाव की सीमा में धमकी देकर छोड़ दिया। बेटी ने जब अपने पिता को आप बीती सुनाई तो पिता ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। बहन का लेके आए गाड़ी पर, बहन नहीं बैठी था, जबरदस्ती बैठाया नहीं, हमें मांगा उछा पानी लेने नहीं है, हमें गोली लगा रहे हैं पीछे पेट में मानी, पहले गणपति में लगावत रहा तो गणपति में नहीं लगा पाए, यहाँ गए नहीं, आदमी देख लीजिए आगे वाला कैसे। थाना 12 सगवर में वादी पिता ने एक तहरीर दी है जिसमें उन्होंने 3 लोगों के ऊपर अपनी बेटी को ज़बरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। FIR दर्ज कर ली गई है। इस संबंध में विवेचनाधिकारी द्वारा महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में लड़की के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, जिसमें लड़की ने अपनी सहमति से अपने चचेरे भाई के साथ जाने की बात बताई है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है, 164 के बयान कराए जा रहे हैं। समाचार ए टू जेड के लिए उन्नाव से प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट की जाएगी। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।